नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज हमारे साथ हैं सीए पारस मित्तल जी। वेलकम सर टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आज हम जीएसटी डिस्कस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके लिए हमने पारस जी को स्पेशली इन्वाइट किया है और वो है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, कॉमनली नोन एज रेरा। दोस्तों 1 जुलाई 2016 से ये एक्ट आया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हुई काफी स्टेट्स में, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे व्यूअर्स को, कॉमन सोसाइटी को इस एक्ट की निटी ग्रिटी के बारे में पता हो और इसके स्पेशली बेनिफिट्स के बारे में पता हो जो बेनिफिट्स सोसाइटी को इस एक्ट से मिल सकते हैं। इसलिए हमने सर को इनवाइट किया। सर सीए सीएस दोनों हैं और काफी साल से प्रैक्टिस में हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस को होल्ड कर चुके हैं एट वेरियस गुड ऑर्गेनाइजेशंस। वेलकम सर। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल सर आपसे हमारा ये है कि रेरा क्या है और इसकी एप्लीकेबिलिटी किस पर है? सर राजेंद्र जी को मैं पहले बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और ये बहुत यूजफुल है प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स को ना सिर्फ इनसाइट मिलता है बट डिफरेंट टॉपिक्स का दे विल गेट द लर्निंग कि कैसे और क्या करना चाहिए। कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो कि रेरा एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एन एक्ट कम इन टू पिक्चर टू स्पेशली डिजाइन फॉर द रियल एस्टेट होम बायर्स। ये होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको नॉलेज करने के लिए, उनको जो रियल एस्टेट डेवलपर्स की मनमानी चल रही थी उसको रोकने के लिए पर्टिकुलरली डिजाइन किया है होम बायर्स के लिए और इन्वेस्टमेंट्स भी बूस्ट करने के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट में एक ट्रस्ट लेवल जो था वो बहुत कम होता जा रहा था बायर्स का। और ये एक संभावित वो था कि अगर ये एक्ट नहीं आता तो बहुत सारा ट्रस्ट जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वो चला जाता। सर तो ये किन लोगों पर एप्लीकेबल है? ये रिगार्डिंग इस एप्लीकेबिलिटी, ये आप कोई भी 8 अपार्टमेंट अगर कोई बिल्डर या डेवलपर या प्रमोटर बना रहा है और या 500 स्क्वायर मीटर लैंड के ऊपर बना रहा है तो ये और है 500 स्क्वायर मीटर एंड और 8 अपार्टमेंट के बीच में, तो अगर कोई 8 अपार्टमेंट बना रहा है या 500 स्क्वायर मीटर लैंड के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है तो उसको इसकी एप्लीकेबिलिटी है, और चाहे वो रियल एस्टेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो चाहे वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो, दोनों पे एप्लीकेबल है। प्लस पब्लिक बॉडीज भी फर्स्ट टाइम इसकी एप्लीकेबिलिटी में आई है, इवन आपके कोई हाउसिंग बोर्ड्स हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उन पे भी ये एप्लीकेबल है। अच्छा, तो मतलब सरकार के ऊपर क्यों? बिल्कुल, पब्लिक बॉडीज सब पे एप्लीकेबल है। तो सर किन लोगों पर ये एप्लीकेबल नहीं है? रिगार्डिंग इट्स नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है जिनको अपनी सेल्स और मार्केटिंग नहीं करनी, वो ऑलरेडी कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ले चुके हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। यहाँ पे 1 जुलाई 2016 में जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था उससे पहले अगर आप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो आप ये एप्लीकेबल नहीं है। प्लस अगर आपको हल्का फुल्का रेनोवेशन, रिपेयर, रीडेवलपमेंट वर्क करना है अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और बिल्डिंग में तब भी ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप तब मार्केटिंग के लिए नहीं जाते हो, तब आप सेल के लिए नहीं जाते हो, आपको कोई रिपेयर करना है, कुछ रेनोवेशन करना है, तो उस पे ये रेरा एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि ये डेडिकेटेड है होम बायर्स के लिए, तो सर कंज्यूमर्स को, होम बायर्स को क्या बेनिफिट्स हैं इस एक्ट से? इसमें होम बायर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिए गए हैं। फर्स्ट टाइम क्या हुआ है कि कोई भी अल्टरेशन या मेजर डिलीशन, कोई भी मॉडिफिकेशन, कुछ भी बिल्डर को करना है अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में, प्रोजेक्ट लेआउट में, प्रोजेक्ट मैप में, स्पेसिफिकेशंस में, तो वो आपको 2/3 ऑफ एलोटीज की कंसेंट के बिना नहीं कर सकते। इवन आपके पर्टिकुलर अपार्टमेंट या आपके पर्टिकुलर हाउस में अगर उसको कारपेट एरिया रिस्ट्रक्चर करना है, उसने कोई आपको पार्टीशन वॉल्स कमिट किए हुए हैं लेआउट में और वो चेंज कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है पिलर्स की वजह से या स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाने के लिए या किसी भी रीजन से, स्टिल उसको आपकी परमिशन चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर भविष्य में जो सुपर एरिया कमिट किया जाता था और उसमें वो इंक्रीमेंट बिना हमारी कंसेंट से हो जाता था, वो नहीं होगा वैसा? हाँ, बिना कंसेंट के नहीं होगा कुछ भी। बिना कंसेंट के तो इवन माइनर 10-15 स्क्वायर फीट होता है तो वो ठीक है कि चलो 10-15 स्क्वायर फीट की चेंजेस हो जाते हैं, बट अगर आपका कोई 50 या 100 स्क्वायर फीट का चेंज है और कुछ भी थोड़ा सा मेजर है, सब्सटेंशियल है, तो उसको आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और क्या सर इसमें बेनिफिट कंज्यूमर्स को होंगे? इसको फर्स्ट टाइम क्या हुआ, एसोसिएशन बॉडीज जो होती थी आफ्टर डिलीवरिंग उसमें कोई भी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड नहीं होता था बिल्डर का, नाउ ही इज लायबल फॉर 5 ईयर्स
इवन आफ्टर गिविंग यू द पोसेशन उसमें कुछ भी रिपेयर से रिलेटेड कुछ भी मेजर डिटेक्शन होती है गलत चीज की तो वो आपको 5 years उसका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है. ही हैज टू कीप द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन. ही हैज टू कीप एवरी टाइम द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड. ही हैज टू हैंड ओवर द पोसेशन टू अ सोसाइटी. अभी क्या होता था कि जब उसने पोसेशन दे दिया उसके बाद वो अपना पीछा छुड़वा देता था कि ठीक है आप अपनी एसोसिएशन बनाओ होम बायर्स की और आप उसको मेंटेन करो. बट उसकी अब जो मेंटेनेंस के लिए ही हैज टू इंश्योर कि या तो कंज्यूमर्स की एसोसिएटेड मेंटेनेंस एजेंसी बने नहीं तो वो अपनी मेंटेनेंस एजेंसी को हायर करे. अच्छा. और सर जैसे जो बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन होते थे और जिसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते थे उनका भी कुछ हुआ है यहाँ पर सर? हाँ, उसमें बिल्कुल आपका स्टैंडर्डाइज्ड जो परफॉर्मा लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट एग्रीमेंट टू सेल रिसीप्ट्स उन सब के परफॉर्मा डिफाइन किए गए हैं. और अगर कोई उस परफॉर्मा में कुछ भी मेजर डिलीशन एडिशन अल्टरेशन करता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड so he has to take the permission of the authority otherwise he is not allowed to do. मतलब सर आप you mean to say सर जो अब जो agreement sign होंगे वो standardized हैं सभी developers के लिए? हाँ, वो RERA Act में prescribe कर दिए गए हैं and every developer and promoter जो उसमें register कर रहा है he has to maintain the standardized agreement. उसको standardized agreement particular authority को approval के लिए देने हैं. तो जब वो पर्टिकुलर अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए दे रहा है तो उसमें कोई भी मेजर डेविएशन होगी तो नाउ अथॉरिटी कैन कीप अ चेक और वो वहां पे उसको चेंज करवा सकती है. सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है सर RERA एक्ट में? हाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इसमें बहुत एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंटेशन कर दी गई है. इवन प्रमोटर को अपने पीछे के 5 साल के पूरे क्रेडेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ क्या प्रोजेक्ट्स उसने डेवलप किए हैं उसका क्या स्टेटस है उसका आज के टाइम पे क्या स्टेटस है. क्योंकि क्या होता है कि मैंने एक नया प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया मैंने उसके लिए रजिस्टर भी करवा लिया बट वहां पे क्या है कि मैं पीछे के 5 projects में डिफॉल्ट करके आ रहा हूँ तो वो जो 5 projects का डिफॉल्ट करके आ रहा हूँ तो मुझे नए प्रोजेक्ट की भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी. अच्छा. प्लस आपको अपने पूरे फाइनेंशियल देने हैं 3 years के मिनिमम आपको पूरे फाइनेंशियल देने हैं. आपको लेआउट मैप देना है अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन देनी है सब कुछ आपको पूरी डिटेल्स अथॉरिटी. ये प्रोजेक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन है या बिल्डर वाइज रजिस्ट्रेशन है? ये आपका बिल्डर वाइज भी रजिस्ट्रेशन है प्रोजेक्ट वाइज भी है. फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इनिशिएट कर रहा हूँ बिजनेस मैं फर्स्ट टाइम बिल्डर में आया हूँ तो मुझे अपना प्रमोटर की रजिस्ट्रेशन करवानी है. अच्छा. और फिर मेरा जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है या मैं प्रोजेक्ट लॉन्च की कैपेसिटी में आ जाता हूँ तो मुझे प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन भी करवाना. बिल्डर रजिस्ट्रेशन तो वन टाइम होगा. हाँ. लेकिन प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हर प्रोजेक्ट के साथ हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन उसके लेआउट मैप वगैरह सब ले जाकर उसको ऑथराइज अप्रूव कराने रजिस्ट्रेशन कराने. बहुत बढ़िया सर. इसमें एजेंट्स का क्या रोल है या उनका भी कोई कंट्रोल है? मतलब यहाँ पर जैसे एजेंट्स जो प्रॉपर्टी बेचते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बिल्डर्स डेवलपर. राजेंद्र जी ये बहुत सीरियस इशू है. इवन दो क्या होता था कि एजेंट्स कमिट भी करते थे बायर को कुछ ऑन बिहाफ ऑफ बिल्डर जबकि वो बिल्डर की नॉलेज में भी नहीं होता था क्योंकि ये पूरी मार्केट जो है उसको एजेंट्स ड्रिवन है कि एजेंट्स ही फर्स्ट टाइम कंज्यूमर से मिलता है बिल्डर तो मिलता भी नहीं है. इवन दो उसकी पूरा प्रोजेक्ट रजिस्टर सब कर लेता है कंज्यूमर बट फिर भी बिल्डर से नहीं मिले बहुत सारे ओकेजन. तो वो एजेंट्स की जो पूरी मैनिपुलेशन थी अब वो पूरी रुक गई है क्योंकि यहाँ पे एजेंट्स भी लायबल हो गए हैं रजिस्टर होने के लिए और उनके ऊपर पनिशमेंट भी है अगर वो कुछ भी फॉल्स कमिटमेंट करते हैं. ओके. तो उन फॉल्स कमिटमेंट के लिए बिल्डर तो लायबल नहीं होगा ऑब्वियसली. अगर मैंने कोई फॉल्स कमिटमेंट कर दिया ऐसा एजेंट तो बिल्डर लायबल नहीं हो सकता उसके लिए. बट अब क्या है कि एजेंट के ऊपर पनिशमेंट आ गई है एंड एजेंट हैज टू रजिस्टर बिफोर RERA. और इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है कि अगर मैं एक भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए डील कर रहा हूं तो मैं दूसरे जो अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी मुझे रजिस्टर करवाना है. सो मैं अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स और रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स दोनों में साइमल्टेनियसली नहीं डील कर सकता. और रजिस्टर्ड जो प्रोजेक्ट है वो भी रजिस्टर्ड एजेंट्स के साथ ही डील कर सकता है. सर अगला सवाल यहाँ पर ही आता है कि इस एक्ट पे ट्रस्ट लेवल क्या है अभी सोसाइटी का? राजेंद्र जी ट्रस्ट लेवल ऐसा है कि क्योंकि ये जुलाई 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था और काफी ये स्लो इसकी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है. अभी सिर्फ 15 states में इसके नोटिफाई हुए हैं रूल्स और 2 या 3 states की जो वेबसाइट्स हैं वो फुली डेवलप्ड हैं फंक्शनल हैं. बाकी सारा पर्सनल लाइजनिंग है पर्सनल रिप्रेजेंटेशन पे हो रहा है तो अभी थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर इतना नहीं है. बट आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत अच्छी है और इसमें बहुत अच्छा काम होगा और पूरा ट्रस्ट लेवल आएगा और जितने कंज्यूमर्स इधर
अगर क्रिमिनल में, सिविल में और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अपना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देख रहे हैं, वो इस एक्ट में अच्छा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ले पाएंगे। सर, जैसे आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात की, तो क्या ये रूटीन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है या ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है? ये गवर्नमेंट की इंटेंशन तो इसको बहुत अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देने की थी। इवन दो गवर्नमेंट की जो इंटेंशन थी वो आपकी इसको सेबी की तरह, जो कि एक बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह, उस तरह बनाने की थी। बट अभी ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव सेशंस की तरह चल रहा है। इंफॉर्मेटिव सेशन इस तरह से कि मैं एज अ प्रमोटर जो अपनी चीज लेके जा रहा हूँ इसके पास, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सर्विलेंस और मॉनिटरिंग और ऑडिट करने का अभी मैकेनिज्म नहीं है। इतनी टीम नहीं है, इतना बड़ा डेवलप नहीं हुआ है, लोगों का भी अभी इतनी नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में हो सकता है वो सर्विलेंस और ऑडिट पे भी आ जाए, बट अभी ये इंफॉर्मेटिव सेंटर बना हुआ है। सर, लास्ट सवाल जो है वो है कि हमारे प्रोफेशनल सीएसीएस ब्रदर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? सर, सीएसीएस एंड एडवोकेट्स तीनों के लिए मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें तीनों को अलाउ किया गया है सेक्शन 56 में लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए। आप प्रमोटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप किसी एग्रीड कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप किसी एजेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप हर प्रोफेशनल इसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, इवन ट्रिब्यूनल को। तो आपकी पूरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोफेशनल्स की है। और मैं एक प्रोफेशनल्स को यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा, बीइंग अ प्रोफेशनल सीए एंड सीएस बोथ, आई कैन अंडरस्टैंड कि बोथ फ्रेटर्निटी को ये इनिशिएटिव दिया गया है, और जो इस इनिशिएटिव को अच्छी तरह से ग्रेस्प करेगा, उसको समझेगा, उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, वर्किंग करेगा, वो इसमें अपॉर्चुनिटीज ले जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपको टेकअप करना पड़ेगा प्रोफेशनल्स को, और वो बहुत अच्छी फील्ड बना सकते हैं इसको एज अ प्रैक्टिसिंग। बहुत बढ़िया सर। सर, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है कोई प्रोफेशनल्स को इसमें? अभी एम्पैनलमेंट्स नहीं है, धीरे धीरे हो सकते हैं आने वाले टाइम में एम्पैनल कर दे गवर्नमेंट बॉडीज, बट अभी इसमें एम्पैनलमेंट्स नहीं हो रही है। तो जो पहला फर्स्ट मूवर होगा उसको बेनिफिट होगा, आपको क्लाइंट्स से काम लेना है और करना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने आसान तरीके से इतने मुश्किल मुश्किल सवालों का और इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट का हमें जवाब दिया। मैं पारस मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे चैनल पे आने के लिए, और मैं सब व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो चैनल को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू।